मुंगेर के तारापुर विधानसभा उपचुनाव प्रचार के अंतिम दिन असरगंज प्रखंड के जलालाबाद रहमतपुर खेल मैदान में एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में जनसभा आयोजित की गई। जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, वीआईपी नेता मुकेश सैनी, जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, पूर्व मंत्री जीवेश ठाकुर, सुल्तानगंज विधायक ललित मंडल मुख्य रूप से उपस्थित थे। जनसभा की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संतोष सैनी जबकि मंच का संचालन भाजपा नेता दिलीप कुमार रंजन ने किया। सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मगही भाषा में जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश सरकार के शासनकाल में महादलित एवं पिछड़ी जातियों को काफी सम्मान मिला है। श्रीमान जी ने तेजस्वी यादव की सरकार बनने वाली बात पर दिल में सपना देखने जैसी बात कही, जबकि सुशील कुमार मोदी ने व्यवसायी वर्ग को लालू यादव के जंगल राज में याद दिलाते हुए अपहरण उद्योग के संचालन में सहभागिता को बताया, दोबारा जंगल राज नहीं आने देंगे। आगे उन्होंने मजाक किया, शब्द में लालू यादव को गब्बर सिंह का संज्ञान भी दिया और साथ ही कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि राजद का कांग्रेस के साथ गुप्त समझौता है। वही केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री पशुपति पारस ने चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए वोट कटवा बताया। उन्हें आगे कहा कि नीतीश कुमार के राज में सर्वांगीण विकास हुआ है। पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि जिस आदमी ने अपना घर नहीं संभाला वह राज्य कैसे संभालेगा। आगे जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में जनता का आशीर्वाद रहेगा कोई भी माई का लाल नीतीश सरकार का विसर्जन नहीं कर सकेगा। वही पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि डॉक्टर मेवालाल चौधरी के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए एनडीए प्रत्याशी को वोट देकर विजयी बना। इस मौके पर सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित मंडल, पूर्व मंत्री देवेश ठाकुर आदि उपस्थित रहे। जो खुद अपना तो नाश हुआ ही, पूरे बिहार का भी नाश करने की कल्पना किए हुए, उसकी सोच यही है कि मैं नहीं जीतूं तो दूसरा कोई नहीं जीते। पूरा बिहार में जंगल राज आने नहीं दीजिए, बिहार को विकास होने दीजिए। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विकास की ओर है और बहुत आगे बढ़ेगा। और ये जो तेजस्वी यादव का जो बयान आ रहा है कि यदि दो सीट हम जीत जाएंगे तो बिहार में हम सरकार बना देंगे, कौन सा थर्मामीटर तुम्हारे पास है? R9 भारत के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट, असरगंज मुंगेर। खबर सहरसा से है जहां 18 वर्षों से बंद पड़े बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक का आज ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव एवं कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन ने संयुक्त रूप से फीता काट कर उद्घाटन किया। मंत्री आलोक रंजन, जिला पदाधिकारी कौशल कुमार एवं उप विकास आयुक्त श्रीमती साहिला ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर बैंक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कोऑपरेटिव विभाग के सचिव वंदना प्रेयसी सहित सभी अधिकारी उपस्थित थे। 18 वर्षों से बंद होने के कारण यहां के किसान सैकड़ों किलोमीटर बेगूसराय के बेहट स्थित कोऑपरेटिव बैंक पर जाते थे, जिससे किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पैक्स में गेहूं धान जमा करने के बाद 72 घंटों के बाद किसानों के खाते में रुपए आता था। किसानों को परेशानी को देखते हुए सहरसा के जिलाधिकारी ने इस प्रस्ताव को मंत्री जी के सामने रखा। रिजर्व बैंक से बात कर मंजूरी मिलने के बाद आज इस कोऑपरेटिव बैंक का विधिवत उद्घाटन किया गया। कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन ने बताया कि आज सहरसा के लिए स्वर्णिम दिन है क्योंकि आज किसानों को 18 वर्ष के बाद अपना बैंक मिला है। आज किसानों को धान पैक्स में जमा करने के बाद रुपए के लिए बेगूसराय नहीं जाना पड़ेगा, तुरंत ही उनके खाते में पैसा आ जाएगा। उप जिलाधिकारी ने बताया कि धान और गेहूं के सीजन में किसानों के खाते में रुपए आने में टाइम लग जाता था और धान अधिप्राप्ति का समय आ गया है। इस बार किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी, निश्चित तौर पर जिले के लिए आज स्वर्णिम दिन है। किसानों ने बताया कि 18 वर्षों के बाद बैंक बंद होने का कारण काफी परेशानी होती थी, बेगूसराय जाना पड़ता था, अब हम लोगों को परेशानी नहीं होगी, हम काफी खुश हैं। सहकारिता बैंक के इस शुभारंभ के अवसर पर इस शुभारंभ के उद्घाटनकर्ता हमारे अभिभावक हमारे कोसी के R9 भारत के लिए शिव कुमार भगत की रिपोर्ट, सहरसा बिहार।